हाबिल का लहू जो है वो परमेश्वर को पुकार रहा है और उसकी दुहाई दे रहा है, हे प्रभु मेरी गलती क्या थी, मेरे भाई ने मुझे क्यों मार डाला, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, मैंने ऐसा कौन सा अपराध उसके विरोध में करा था जो मेरे भाई ने मुझे मार डाला। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम तीसरे खंड में हैं, परमेश्वर का सिंहासन और 7 मुहरबंद पुस्तक के बारे में। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसके 7 और 8 पद से 4 मुहर के बारे में, पीला घोड़ा और उसके सवार के विषय में हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे 5वीं मुहर के बारे में। 5वीं मुहर के बारे में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9 से 11 पद तक। यहाँ पर पढ़ देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार से, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया, और थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। देखें, इन ये जो हैं 3 पद हैं और इन तीनों पदों को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन तीनों को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक हम इसके भेद को समझ नहीं पाएंगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें यह जानने की आवश्यकता है कि जब उसने 5वीं मुहर खोली है। यहां देखिए, यहां एक बात ध्यान देने की है कि जब उसने का अर्थ है यीशु मसीह से, क्योंकि यीशु मसीह जो है, जब आप प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है उन 7 मुहर बंद पुस्तक को खोलने का जो अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह को है जो यहूदा के गोत्र से आया। और यीशु मसीह जो है इन जो मोहरबंद पुस्तक है 7 मोहर से की गई है, एक एक करके उन मोहरों को खोलता है। तो 5वीं मोहर को जो खोलता है तो वो कौन, प्रभु यीशु मसीह जब खोलता है तो क्या देखता है कि वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां ध्यान से यूहन्ना क्या है कि वेदी के नीचे देख रहा है। इस भेद को समझे, बाइबल में वेदी के नीचे कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर वध किए हुए अर्थात मरे हुए इंसानों की आत्मा या प्राण रखे जाते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कोई भी वेदी, आप बाइबल के अंदर बहुत सी वेदियों के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों ने बहुत सी परमेश्वर के लिए वेदियां बनाई, परमेश्वर ने भी मूसा के द्वारा जो है वेदी बनाई, और वो सारी चीजें जब उन वेदियों के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं पर भी वेदी के नीचे जो है किसी भी मरे हुए इंसानों की आत्मा या प्राण रखे नहीं गए हैं। ये बहुत समझने की बात है इस बात को। अब यहां पर एक बात हमें यह समझना है कि यूहन्ना कहां पर है। जी हां, यूहन्ना कहां पर है, यूहन्ना जो है वो स्वर्ग में। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय और उसका जब पहला पद पढ़ेंगे तो वहां क्या होता है, वहां पर यूहन्ना से कहता है यहां ऊपर आ। यहां ऊपर आने का मतलब वो पास्मो टापू पर पड़ा हुआ है और वो जो है वहां पर है, मगर वो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहां ऊपर आ। ऊपर आने का मतलब स्वर्ग में। तो यूहन्ना जो है वो स्वर्ग में जब जाता है तो वहां पर क्या है, वो प्रचीनों को और 4 प्राणियों को, यानी 24 प्रचीनों को और 4 प्राणियों को देखता है। और हम देखते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय है जिसमें मोहरबंद पुस्तक जो है, 7 मोहर से बंद की गई पुस्तक जो है, उसको यहूदा के गोत्र का सी अर्थात यीशु मसीह जो है वो उसको भी देखता है, यीशु मसीह को भी देखता है जो उस मोहरबंद पुस्तक की मोहर खोलने के योग्य ठहरा है। अब यहाँ यूहन्ना कहाँ है, यूहन्ना स्वर्ग में है, और वो स्वर्ग में है तो मंदिर कहाँ का देखेगा वो। अब ये समझने की बात है कि जो मंदिर है उसकी वेदी के नीचे वध किए हुए लोगों को के प्राणों को देख रहा है। बड़ा समझने की बात है, लोग कुछ भी सोचने समझने लगते हैं। अब स्वर्ग की वेदी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जो स्वर्ग में वेदी है, ध्यान दीजिएगा प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसका 3 से 4 जब आप पद पढ़ेंगे तो वहां पर जो वेदी का वर्णन दिया गया है वो धूप चढ़ाने की वेदी है।
जी हाँ, धूप मतलब जो कहते हैं सुगंधित धूप, जैसे अगरबत्ती वगैरह जो होती है, धूप होती है, उसको जलाई जाती है, उस वेदी पर जो है वो धूप जलाई जाती है, और उस धूप का जो धुआं है वो इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं जो हैं वो है वो चढ़ाई गई हैं। जो भी परमेश्वर के लोग जो प्रार्थना इस पृथ्वी से करते हैं, तो उस जो स्वर्ग के अंदर जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जो वेदी है, उस वेदी में जो धूप जल रही है, उसका धुआं जितना उठता है वो परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं हैं जिनको परमेश्वर सुनता है। उस धूप के धुएं के माध्यम से जो है वो यही दर्शाया जा रहा है कि वो जो है वो प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर को चढ़ाई जाती हैं, जो इस पृथ्वी से भेजी जाती हैं, और उस वेदी पर जो है उनकी प्रार्थनाओं को चढ़ाया जाता है या उनकी प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है। यहाँ तू उस वेदी के नीचे, अब यूहन्ना स्वर्ग में है और वे स्वर्ग उस वेदी को देख रहा है स्वर्ग में, जहां पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर को समर्पित की जा रही हैं, परमेश्वर को समर्पित की जा रही। नीचे देखने का अर्थ है कि वे पृथ्वी पर देखता है, अर्थात उसने जब नीचे देखा, अर्थात स्वर्ग से पृथ्वी पर जब वो देखता है तो उन लोगों के प्राणों को देखता है जो परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के लिए वध किए गए थे। अब ध्यान दीजिएगा, वो स्वर्ग में है और स्वर्ग से नीचे को वो देख रहा है, और क्या चीज देख रहा है, उनके प्राणों को देख रहा है। किनके प्राणों को? उनके प्राणों को देख रहा है जो यीशु मसीह की गवाही के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए जो है जिनको वध किया गया था, जो मार डाले गए थे, जिन्होंने अपनी जान जो है परमेश्वर के वचन के लिए और यीशु मसीह की गवाही के लिए दे दी थी, उनके प्राणों को देख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि प्राण है क्या, पहले ये समझे कि प्राण है क्या और प्राण कहां पाया जाता है। जब हम इन भेदों को समझ लेंगे कि प्राण क्या है और प्राण कहाँ पाया जाता है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि बात कहाँ पर हो रही है, कि कौन पुकार रहा है उनको। स्वर्ग की वेदी के पास खड़ा है देखिए यूहन्ना जो है, और वहां अर्थात नीचे पृथ्वी की ओर देखता है। अब वो किनको देख रहा? प्राणों को। अब प्राण की जब हम बात करते हैं, लेव व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11 पद जो है यहां पर पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। अब यहां देना प्रायश्चित यानी पश्चाताप जो है, अब प्राण मनुष्य का प्राण कहाँ रहता है? लहू में रहता है, यानी हमारे प्राण जो है वो लहू में है। अगर हमारी बॉडी से पूरा लहू निकल जाए, पूरा लहू निकल के बह जाए, तो ये समझ लीजिए हमारे प्राण खत्म हो गए, हमारे प्राण समाप्त हो गए। अब हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं होती है। आपने देखा होगा जिसका बहुत खून बह जाता है, डॉक्टर कहता है, जल्दी से कहता है कि इसको ये खून की आवश्यकता है, इतने खून की आवश्यकता है, इस खून का इंतजाम कीजिए, और अपने यार दोस्तों से और ब्लड बैंक जो होते हैं उनसे जो है संपर्क करते हैं और उस खून को जो है प्राप्त करते हैं, ताकि हमारे व्यक्ति का जिसको खून की आवश्यकता है उसके प्राण बच जाए, उसके अंदर वो प्राण डाले जाए। तो ये बड़ा समझने की बात है कि यहाँ पर जो है वो प्राणों को देख रहा है। ये प्राण की बात है, वे चाहे मनुष्यों का हो या पशु का हो, कुछ भी हो, पक्षियों का हो, प्राण जो है वो लहू में रहता है। और ये पाप, जब इंसान पाप करता था तो पशु पक्षी के जो लहू होते थे उनको वेदी पर चढ़ाया जाता था कि उनके पापों की क्षमा के लिए जो है। उसके बाद यीशु मसीह के बलिदान के बाद ये सारे बलिदान जो थे, पशु पक्षियों के जो बलिदान थे, ये सब समाप्त हो गए और सब जो है वो खत्म हो गए, क्योंकि उस बलिदान के अलावा और कोई बलिदान नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, हाबिल का लहू जो है वो पुकारता है। अब हाबिल के लहू की जब हम बात करेंगे, जब हम कैन की बात करते हैं, कैन ने अपने भाई हाबिल को क्या कर दिया? उसकी हत्या कर दी, उसका खून कर दिया था और उसको क्या था, उसको मार डाला था। अब यहां पर जो है उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 10 पद में परमेश्वर जो है वो कैन से क्या कहता है, उसने कहा तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। अब देखिए स्वर्ग के अंदर जो है यूहन्ना उस वेदी के पास खड़ा है और वो नीचे पृथ्वी पर देख रहा है, किसके, यानी जहां हाबिल का लहू बहाया गया था वहां से, उस भूमि से उसका लहू जो है वो पुकारता है। और क्या कह रहा है कि भूमि से हाबिल का लहू जो है वो परमेश्वर को पुकार रहा है और उसकी दुहाई दे रहा है, हे प्रभु मेरी गलती क्या थी,
मेरे भाई ने मुझे क्यों मार डाला, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, मैंने ऐसा कौन सा अपराध उसके विरोध में करा था जो मेरे भाई ने मुझे मार डाला। ये दुहाई दे रहा है हाबिल का लहू जो है वो इस बात की, परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान से सुनने की बात है। अब यहां पर इब्रानियों 12 अध्याय उसके 24 पद को पढ़ेंगे, और नई वाचा के मध्य स्थित यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बात करता। किसका लहू? यानी यीशु मसीह का लहू जो है अब हाबिल के लहू से जो है उत्तम बातें कर रहा है। यहां परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, ये स्वर्ग के अंदर सब चीजें हो रही हैं और वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोई परमेश्वर यरूशलम है, यरूशलम का पवित्र मंदिर है, उसकी वेदी के नीचे है, या स्वर्ग में जो है वेदी है और मंदिर है और उसके अंदर वेदी है, उस वेदी के नीचे। ऐसा नहीं है, पृथ्वी के ऊपर जो लहू बहाया गया है, जिन लोगों का लहू बहाया गया है, वो लहू जो है वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, परमेश्वर को पुकार रहा है, हे प्रभु तो हमारा पलटा कब तक ना लेगा, कब तक तो हमारा न्याय नहीं करेगा। वो पृथ्वी से पुकार कर परमेश्वर की जो है वो दुहाई दे रहा है। ये जो ये बध किए गए जो लोग हैं और उनके प्राणों को देखता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कलवरी जो है वो एक वेदी है। ध्यान दीजिएगा, कलवरी एक वेदी नहीं है। बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि कलवरी जो है वो वेदी है, कलवरी पहाड़ जो है वो वेदी को दर्शाया जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, हम जो है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम पढ़ लेते हैं इब्रानियों 13 अध्याय और उसका 10 से 15 पद तक, जरा ध्यान दीजिएगा। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता था, उसकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कह रहा है इब्रानियों की पत्री में। इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो पशु बलि चढ़ाए जाते थे उनका लहू तो वेदी के पास ले जाया जाता था, वो छिड़का जाता था, परंतु उनका जो शरीर था, उनकी जो बॉडी थी, उनको छावनी के बाहर ले जाकर जलाया जाता। और यीशु मसीह भी ऐसे ही, उसका लहू जो था वो तो हमारे ऊपर आया, परंतु उसकी जो बॉडी थी वो उस नगर से बाहर, उस मंदिर से बाहर ले जाकर जो है, यानी छावनी से बाहर ले जाकर जो है वो वहां पर जो है मारी गई या नष्ट की गई, जो भी आप समझ सकते हैं हमारे और आपके लिए। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, तो छावनी के बाहर जो है वो पशु को जलाने का या उनको भस्म करने का या खत्म करने का, पूरी तरीके से सुहा करने का जो था वो स्थान था। और वो वही बात जो है, वही क्रिया जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी पूरी हुई है। इसलिए हम उसको कलवरी को वेदी नहीं कह सकते हैं। बहुत से लोग उसको वेदी मानकर बैठ जाते हैं, बहुत ध्यान देने की बात है। और इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को बहुत बारीकी से पढ़ना और समझना चाहिए। मगर पढ़ना और समझना क्या चाहिए कि परमेश्वर का वचन भी ये कहता है, जब आप याकूब 1:5 पढ़ेंगे, जिनके पास बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर बिना औलाना दिए देता है, और पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहें ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन वचनों को अच्छे से सीख पाए। फिर लेव व्यवस्था 16:27 में, और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी जिनका लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए पहुंचाया जाए, वे दोनों छावनी से बाहर पहुंचाए जाएं और उनका चमड़ा मांस और गोबर आग में जला दिए जाए। छावनी से बाहर, छावनी से बाहर का मतलब है परमेश्वर के उस नगर से बाहर, परमेश्वर के उस मंदिर से बाहर, उस वेदी से बाहर, दूर जहां पर लहू छिड़का जाता था वहां पर नहीं। स्पष्ट तरीके से परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बयान कर रहा है, और इसलिए इन चीजों को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। और जब हम समझते हैं तब हम धन्यवादी रूपी भेंट जो है, अपने होंठों का फल जो है वो परमेश्वर को चढ़ाते हैं।
कि परमेश्वर तुझे समर्पित हो और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये समझने की बात है जो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अर्थात छावनी के बाहर जहां यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया उस जगह का नाम गुलगुत्ता अर्थात खोपड़ी का स्थान था। लूका 23:33 में आप पढ़ सकते हैं हिंदी में खोपड़ी और इंग्लिश में कलवरी शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। और यीशु को जो है दफन भी, यीशु मसीह को उसी स्थान पर दफन किया गया जहां उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसलिए ये स्थान वेदी नहीं हो सकता है। आप यूहन्ना 19 और उसका 41 पद पढ़ सकते हैं। जी हाँ, देखिए वेदी के पास किसी को दफन किया गया है? किसी की भी बॉडी को परमेश्वर के मंदिर में जो वेदी हुआ करती थी या परमेश्वर के पवित्र स्थान में जो वेदी हुआ करती थी वहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। इसलिए छावनी के बाहर, और यीशु मसीह को भी कलवरी पहाड़ पर जब चढ़ाया गया तो वहाँ पर जो है उसको मार डाला गया और उसको वहीं पर दफन किया गया। तो वेदी के नीचे देखने का मतलब है, यूहन्ना जो देख रहा है वेदी के नीचे जो देख रहा है उनके प्राणों को देख रहा है, अर्थात पृथ्वी पर जिनका लहू बहाया गया है वो लहू उस पृथ्वी से पुकार कर जो है परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। और यहां पर प्रकाशित वाक्य में जो पांचवी मोहर खोली गई है उनके प्राणों को जो प्रभु यीशु मसीह के लिए वध किए गए, जो परमेश्वर के वचन के लिए वध किए गए हैं, जिनका लहू बहाया गया है इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी स्थान में बहाया गया हो, उस स्थान से परमेश्वर उनका लहू जो है वो परमेश्वर को पुकारता है, वो परमेश्वर की दुहाई देता है, परमेश्वर को आवाज देता है, हे प्रभु अब कब तक तू हमारा बदला नहीं लेगा, हमने इनका क्या बिगाड़ा था, ऐसा कौन सा गुनाह करा था, हम आपकी सच्चाई तो बता रहे थे, हम इनसे यही तो कह रहे थे कि परमेश्वर चाहता है कि पापों से दूर रहो, और कौन सा ऐसा गुनाह हमने कर दिया, पापों से दूर रहने की तो बात कर रहे थे, यीशु मसीह जो हमारे लिए बलिदान हुआ उसके बलिदान की तो बात कर रहे थे, उसके लहू से शुद्ध होने की बात कर रहे थे, उसके लहू के द्वारा बचाए जाने की बात कर रहे थे, कि तूने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें बचाया, उस बचाव की बात कर रहे थे, हमने ऐसा कौन सा गुनाह, तो हमारा पलटा कब तक ना, इस पृथ्वी से उनका लहू पुकारता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये जो है ये वो वेदी है जो उनका लहू स्वर्ग में चढ़ाया गया है और स्वर्ग की वेदी पर छिड़का गया है, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ वो उत्तम बातें करते हैं, उनके लहू जो है और उनसे बात करके उनको दुहाई देते हैं, उनसे अपने खून का पलटा लेने की बात, यह है इसका अर्थ। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी पांचवी मोहर खत्म नहीं हुई है, पांचवी मोहर का अभी एक भाग और है जिसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहीं पे खत्म कर देंगे तो बहुत सी बातें पांचवी मोहर की जो हैं वो रह गई हैं जिनको समझना जरूरी है। इसलिए इंतजार कीजिए, प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।